अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर सादिक मेमन है। मेरा ताल्लुक एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हैदराबाद से है। मेरा शोबा जिगर और मैदे के अमराज से वाबस्ता है। आज हम बात करेंगे हेपेटाइटिस के हवाले से। हेपेटाइटिस इंग्लिश में जिगर के वर्म को कहा जाता है। जहाँ भी आइटिस होगा उसका मतलब है कि उसका वर्म, तो हेपेटाइटिस का मतलब है जिगर का वर्म। जी, बात करते हैं कि हेपेटाइटिस किस तरह ट्रांसमिट होता है या किस तरह फैलता है, यानी एक शख्स से दूसरे शख्स में हेपेटाइटिस जो है वो किस तरह फैलते हैं। पहले हम बात करते हैं हेपेटाइटिस ए और ई की। ए और ई ये वो जरासीम हैं जो पानी के ज़रिए फैलते हैं और ये एक्यूट हेपेटाइटिस करते हैं। इनकी बीमारियां जो हैं वो सेल्फ लिमिटिंग होती हैं, यानी थोड़े अरसे के लिए होती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह खुद ब खुद ख़त्म हो जाती हैं। हेपेटाइटिस बी और सी ये उमूमन एक शख्स से दूसरे शख्स में उस वक्त फैलते हैं जब मुतासर आदमी का खून दूसरे गैर मुतासर आदमी के ब्लड में चला जाए। जो हेपेटाइटिस होने का वजह है सबसे बड़ी, वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है। यानी अगर हेपेटाइटिस सी वाले मरीज़ का ब्लड जो है किसी दूसरे मरीज़ में लग गया या बी वाले का, तो उसको भी जो है वो हेपेटाइटिस हो जाता है। इसके अलावा सर्जरीज जहाँ हो रही हैं वहाँ पे अगर वो सामान को सही तरह साफ नहीं किया गया तो वहाँ पे भी चांस है कि हेपेटाइटिस बी और सी ट्रांसमिट हो सकते हैं। इसी तरह नाइयों के पास अगर एक इस तरह हेपेटाइटिस बी और सी से मुतासर अफराद का है, वो दूसरे आदमी में वही उस तरह इस्तेमाल किया गया, तो उसमें भी चांस है कि हेपेटाइटिस बी और सी ट्रांसमिट हो सकता है। सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस बी और सी जो ट्रांसमिट होते हैं वो डायलिसिस के मरीज़ों में होते हैं। जो डायलिसिस मशीनें होती हैं उससे हेपेटाइटिस बी और सी सबसे ज़्यादा फैलता है। अब हम बात करते हैं कि हेपेटाइटिस कितने टाइप के होते हैं और जब वो किसी को हेपेटाइटिस हो तो उसको कैसे पता चले कि उसको हेपेटाइटिस हो गया। हेपेटाइटिस दो तरह के होता है, एक होता है एक्यूट हेपेटाइटिस जो कि कम मुद्दती होता है और एक होता है क्रॉनिक हेपेटाइटिस जो लंबे अरसे चलता है। क्रॉनिक हेपेटाइटिस को हमारी आम जबान में काला पीलिया भी कहते हैं। हेपेटाइटिस एक्यूट जो होता है उसमें आँखें पीली हो जाती हैं, आदमी को बुखार आता है, पेशाब भी पीला आता है, सीधे हाथ की तरफ जो है वो हल्का सा पेट में दर्द भी रहता है, उल्टियाँ होती हैं, तो ये जो अलामत होती हैं वो हेपेटाइटिस की होती हैं और इसको एक्यूट हेपेटाइटिस कहते हैं। और ये तकरीबन 2 से 3 हफ्ते तक रहती हैं, उसके बाद ये मरीज़ जो हैं वो बेहतर हो जाते हैं। एक्यूट हेपेटाइटिस की मेन वजह हेपेटाइटिस ए और ई होते हैं, जबकि कभी कभी हेपेटाइटिस बी की वजह से भी एक्यूट हेपेटाइटिस हो जाता है। हेपेटाइटिस सी बहुत कम एक्यूट हेपेटाइटिस करता है, इसी तरह हेपेटाइटिस डी भी जो है वो बहुत कम एक्यूट हेपेटाइटिस करता है। 70% लोगों में जब हेपेटाइटिस बी और सी हो चुका होता है तो उनकी कोई अलामत नहीं आती। अलामत उस वक्त आती है जब जिगर की बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जो थोड़े बहुत सिम्टम्स होते हैं उसमें ये होता है कि जिस्म में दर्द रहना, मैदे में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहना, इसके अलावा जो है वो हल्का हल्का बुखार रहना, और उमूमन ख़वातीन में जो है वो क्रॉनिक हेपेटाइटिस की जो सिम्टम्स हैं उसमें रंग का भी थोड़ा बहुत काला होना, ये भी एक सिम्टम्स है जब बीमारी बढ़ती है तो होती है। जब बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जिसे हम सिरोसिस कहते हैं, तो उसके बाद जो है वो पैरों पे सूजन आना, ये भी एक बहुत बड़ी अलामत है हेपेटाइटिस की। पेट में पानी भर जाना, घुनुगी के दौरे पड़ना, खून की उल्टी आना, तो ये जो है वो उस वक्त हैं जब एडवांस है। बात करते हैं हेपेटाइटिस बी और सी के इलाज के हवाले से। पहले हम सी की बात करेंगे क्योंकि पाकिस्तान में अब जो है वो 2014 के बाद से जो इलाज किया जा रहा है उसमें 95% लोगों को हेपेटाइटिस सी जो है वो ख़त्म हो जाता है। हेपेटाइटिस बी का इलाज जो है वो थोड़ा पेचीदगियों के साथ है। एक तो हर मरीज़ को इलाज की ज़रूरत नहीं होती। उमूमन 30 साल के बाद जो मरीज़ हमें हेपेटाइटिस बी के आते हैं उनको दवा की ज़रूरत होती है। उसके लिए आपके जो माहिर जिगर के डॉक्टर हैं वो कुछ टेस्ट करवाते हैं जिसमें हेपेटाइटिस बी का वायरल लोड होता है, डेल्टा का टेस्ट होता है, एक फाइब्रो स्कैन होता है और जिगर के कुछ टेस्ट होते हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह। उससे वो अपना एक हिसाब बनाते हैं और फिर बताते हैं कि इस मरीज़ को इलाज की ज़रूरत है या नहीं। हेपेटाइटिस बी के इलाज में जो कामयाबी हुई है उसमें यह है कि बहुत ही मौसर इलाज मौजूद है।
लेकिन उसमें कबाहत है वो ये है कि जब एक दफ़ा इलाज शुरू करते हैं तो अभी तक की जो नॉलेज है उसके मुताबिक ये इलाज सारी ज़िंदगी खाना होगा। तो हेपेटाइटिस बी का जो इलाज है वो सारी ज़िंदगी के लिए खाना होता है। अब हम बात करते हैं कि हेपेटाइटिस से किस तरह बचा जा सकता है। पाकिस्तान में हेपेटाइटिस ए और ई से बचने के लिए हमें पानी जो है वो उबाल के पीना होगा। इसके अलावा हेपेटाइटिस ए या ई होने की जो वजहें हैं वो अगर आपने बाहर खाना खाया, ऐसा खाना खाया जो चूल्हे पे पका हुआ नहीं था या गर्म नहीं था, तो उससे भी हेपेटाइटिस ए और ई हो सकता है। और बी की जो कि ब्लड से फैलता है, यानी एक मुतासर आदमी के खून से दूसरे शख्स में अगर वो खून चला जाए मुतासर तो उससे फैलता है, उसमें सबसे बड़ा जो पाकिस्तान में फैलने की वजह है वो मरीज़ों को इंजेक्शन के ज़रिए दवा पहुंचाना है। तो याद रखें, जब तक मरीज़ बहुत ज़्यादा बीमार ना हो उसको जो है वो इंजेक्शन ना लगाएं, और जब भी इंजेक्शन लगाएं तो डिस्पोजेबल सिरिंज का इस्तेमाल करें, एक सिरिंज को दूसरे मरीज़ में बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा हर जगह जो ड्रिप लगती हैं उससे भी परहेज़ की जाए। वो अस्पताल जहाँ पे ऑपरेशन होते हैं तो उनके इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल जो स्टैंडर्ड हैं स्टरलाइजेशन के उसके तहत होने चाहिए। डायलिसिस की मशीनें जो हेपेटाइटिस बी के मरीज़ों की भी अलग होनी चाहिए, सी के मरीज़ों के भी अलग होनी चाहिए, और जिनको हेपेटाइटिस बी और सी नहीं है उनकी भी जो है वो अलग होनी चाहिए। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन मौजूद है जो कि सिंध गवर्नमेंट में और पाकिस्तान के ईपीआई प्रोग्राम में सन 2010 और 11 से हर बच्चे को जो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगती है। तो वो बच्चे जो 2010 और 11 से पहले पैदा हुए हैं या वो बड़े हो चुके हैं और उनको जो है हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन नहीं लगी होगी, तो वो तमाम लोग जो 2010 से पहले पैदा हुए हैं या 11 से पहले पैदा हुए हैं उनको चाहिए कि वो अपनी हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन ज़रूर कराएं। इतनी सारी बातें की हैं जो आवाम को मुख्तलिफ पैगामात पहुँचाएँ, ये सारे के सारे इंशाल्लाह मेरी सेहत के प्लेटफॉर्म से नशर होंगे। आप ख़ुद भी इसको ज़रूर देखें, समझें, जानें और अपने रिश्तेदारों और अपने करीबी लोगों के साथ इसको शेयर करें ताकि पाकिस्तान को हेपेटाइटिस से आज़ाद कराया जाए। हम सबका आज़म है कि हेपेटाइटिस फ्री पाकिस्तान, हम सबका ख्वाब है हेपेटाइटिस फ्री पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम।